खमनोर तहसील क्षेत्र के 5,510 प्रवासी विभिन्न प्रदेशों में लॉकडाउन में फंसे, घर वापसी को तैयार मगर अभी थोड़ा इंतजार। प्रशासन ने बनाई अन्य प्रदेशों में प्रवासरत लोगों की सूची। विभिन्न प्रदेशों में लॉकडाउन में फंसे खमनोर ब्लॉक के 5,500 प्रवासी घर वापसी की चाह में हैं, मगर अभी उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से घर लौटने के इच्छुक ऐसे प्रवासियों की सूची तैयार कर ली है। यह सूची फिलहाल प्रवासियों के डाटा कलेक्शन के तौर पर हैं। असल में तो वापसी का रास्ता सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे टोल फ्री नंबर और अन्य प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन से ही खुलेगा। राजस्थान सरकार ने प्रवासियों को लाने की घोषणा की तो मुंबई, गुजरात सहित देश के अन्य प्रदेशों में मजदूरी व व्यवसाय के सिलसिले में गए लोगों ने भी कोरोना पीरियड में लौटने का मन बना लिया है। ब्लॉक की 41 ग्राम पंचायतों में जो आंकड़े आए हैं उनमें फिलहाल 5,550 प्रवासी हैं जिन्हें अपने घर लौटने की चाहत है। प्रवासियों के परिजनों ने गांवों में पंचायत के माध्यम से ऑफलाइन जानकारी दी है। इसी आधार पर एक डाटा तैयार किया गया है। इसमें कई पंचायतें ऐसी हैं जिसमें 100 से अधिक प्रवासी आना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों में सरकारों के आपसी समन्वय से इन प्रवासियों के आने की सारी बाधाएं समाप्त होती हैं तो फिर उन्हें लाया जा सकेगा। इनको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का दावा है कि इनके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। ऑफलाइन डाटा कलेक्शन सिर्फ आंकलन के लिए। खमनोर विकास अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि पंचायत को जो सूचना देने से प्रवासियों की जो सूचियां तैयार की गई हैं वह सरकार को भेजी जाएगी। सरकार इन सूचियों को आधार मानकर बसों की व्यवस्था करेगी। वीडियो ने बताया कि सूचियों के अनुसार तैयारियों के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। प्रवासियों की सूची में सेमा अवल गांवों में आने के इच्छुक प्रवासियों को लिस्टेड किया गया है। पूरे ब्लॉक में सेमा पंचायत पहले नंबर पर है जहाँ सबसे अधिक प्रवासियों की वापसी की सूचना दर्ज हुई है। फिलहाल प्राप्त हुआ डाटा के अनुसार यहाँ 438 प्रवासी लौटेंगे। इसके अलावा कोशीवाड़ा में 365, मोलेला में 337, सिसोदा में 280, भाणुजा में 263 एवं खमनोर व देलवाड़ा पंचायत समितियों की कुल 41 पंचायतों में ये संख्या 5,510 हैं। नाथद्वारा उपखंड अधिकारी अभिषेक गोयल का कहना है कि पंचायतों में प्राप्त सूचियों से एक अनुमानित डाटा मिला है। फिलहाल सरकार के यही निर्देश हैं कि आने वालों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसलिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रतियां की व्यापक जानकारी दी है। लौटने के इच्छुक प्रवासियों को राजस्थान सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से सरकार के पास एक डाटा एकत्र होगा। इससे यह साफ होगा कि बाहरी प्रदेशों में कौन कहां फंसा हुआ है और उन्हें लौटकर राजस्थान में कौन से जिले, ब्लॉक व पंचायत में जाना है। इससे सरकार को भी बसों की संख्या, रूट आदि के आधार पर बंदोबस्त करने में आसानी रहेगी। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल सरकारों ने नहीं दी स्वीकृति। SDM ने बताया कि सरकारें अपनी अपनी परिस्थितियों, नीतियों के अनुसार सिंगल के बजाय मल्टीप्लस सिस्टम पर काम कर रही हैं। जैसे दो दिन पहले ही गुजरात सरकार ने बिना किसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ही प्रवासियों को बसों के माध्यम से प्रवासियों को भेज दिया। राजस्थान सरकार को महाराष्ट्र, बिहार व पश्चिम बंगाल सरकारों से उनके वहाँ फंसे प्रवासियों को लाने की अभी स्वीकृति नहीं मिली है। लेकिन सभी सरकारों का एक ही उद्देश्य है कि उनके प्रदेशों में फंसे प्रवासियों के घर लौटने की अड़चनें दूर की जाए।